अच्छा दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखें सेव एज दिया हुआ है, ठीक है। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। जब हम सेव प्रेस करेंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ और ऐड करते हैं, तो जब हम सेव प्रेस कर देंगे तो ये वहीं पर सेव हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो नया टेक्स्ट हमने लिखा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पर मैं मुनील लिख देता हूँ, ठीक है। ये अब नया टेक्स्ट लिखा है, इतना टेक्स्ट हमने नया लिखा है। अब ये टेक्स्ट ऐड हुआ है तो ये नई फाइल में जाकर एक नई फाइल इसकी सेव हो जाए। अगर मैं सेव को करूँगा तो वो उसी में उसको सेव कर देगा, लेकिन मैं इसकी एक नई लोकेशन पर इसको रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेव एज करूँगा, तो अभी ये हमसे लोकेशन का पूछेगा। इसको मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर हम कर देते हैं मुनीर वन, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव कर दिया, आप देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो फाइल्स बनाई थी, एक के अंदर हमने मुनीर ऐड किया था मुनीर वन में, और इसमें हमने मुनीर ऐड नहीं किया था टेक्स्ट। तो हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें मुनीर ऐड हुआ है कि नहीं। देखें इसमें ऐड नहीं हुआ, इसमें मुनीर ऐड नहीं हुआ, लेकिन जब हमने सेव एज करके दोबारा उसको सेव किया था टेक्स्ट ऐड करके, तो यहाँ पर ये मुनीर इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये वाला, ये लिखा हुआ आ चुका है, ठीक हो गया।